नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल स्कॉलर्स इंग्लिश एकेडमी। देखिए, आज का जो टॉपिक हम लेने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल के जितने भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं देख सकते हैं। जिनको इंग्लिश लिखनी नहीं आती उनके लिए टॉपिक बहुत बेनिफिशियल होगा, और जो कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। लेकिन आपको इंश्योर करना है, आपको इस टेंस की प्रैक्टिस बार बार करनी है। एज यू ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन ऑफ द टेंस, नीव जो टेंस की वो टेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। देखिए, पहले हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोला क्यों जाता है, इसका मतलब क्या है। इंडेफिनेट का मतलब हम जानते हैं अनिश्चित। तो इस टेंस की बहुत बढ़िया खूबसूरती है, ये टेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में एक सेंटेंस बोलूं आपको, राम स्कूल जाता है। अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है, नो डाउट कि राम स्कूल जाता है। लेकिन इस सेंटेंस को मैं अगर बड़ा करना चाहूं तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूं। मैं बोलूं राम 7 बजे स्कूल जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको और अनिश्चित तक दिखाना चाहूं, राम अपने दोस्त के साथ 7 बजे स्कूल जाता है। तो जब भी आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लिखेंगे वो अपने आप में इनकम्प्लीट होगा, इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दूसरे नाम की बात की जाए प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल से। देखिए, हिंदी में अगर पहचानना चाहे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को, ता है, ती है, ते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। जैसे राम खाना खाता है, ता है। इंग्लिश में पहचानने के टेंस को दो ही तरीके हैं, या तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से टेंस को पहचाना जाता है, या उसकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगता है सिंगुलर कर्ता के साथ। और ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस में। डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू या डस, और ये लगती है नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में। अगर इसके यूज की बात करें डू या डस की, डू का यूज होता है आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, जो बहुवचन कर्ता होते हैं। डस का यूज होता है ही शी इट या नेम एक वचन, सिंगुलर कर्ता के साथ यूज होता है डस का। अगर एडवांस लेवल की बात करें इंडिकेटर्स, देखिए किसी भी टेंस के अपने आप में कुछ एडवर्ब होती हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जो हिंट्स होते हैं, जो ये बताते हैं कि कौन सा टेंस होता है। तो इसको आपको पहचानना है तो देखिए कहां कहां प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। चलिए, यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सार्वभौमिक सत्य, फ्यूचर प्लांड एक्शन अर्थात भविष्य का कोई निर्धारित कार्य, प्रोग्राम्ड एक्शन अर्थात भविष्य का कोई निर्धारित कार्य या स्केड्यूल्ड एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य, स्पिरिचुअल फैक्ट आध्यात्मिक तथ्य, हैबिचुअल एक्शन आदत संबंधी कार्य, डेली रूटीन जो हम रोजाना कार्य करते हैं, प्रोवर्ब्स मतलब कहावत, इडियम्स मतलब मुहावरे, परमानेंट एक्शन जो हम हमेशा ऐसा करते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, हेडलाइंस की न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो हेडिंग होती है। कमेंट्री में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है, जो हम खेल में देखते हैं। इसके अलावा कुछ एडवर्ब है जिससे भी इस टेंस को पहचाना जा सकता है। ऑलवेज का यूज हमेशा, सेल्डम कभी कभार, यदा कदा, ऑफन अक्सर प्राय, रेयरली मुश्किल से ही, बैरली मुश्किल से ही, स्कैर्सली मुश्किल से ही, जनरली सामान्यतः, यूजुअली सामान्यतः, डेली रोजाना, एवरी डे एवरी नाइट, एवरी वीक एटसेट्रा, नेवर कभी नहीं, ओकेजनली कभी कभार। चलिए अब मूव ऑन करते हैं। ये तो इसके इंडिकेटर्स हुए, डूडस का यूज कहां होता है, इसके एडवर्ब्स हुई। देखिए आगे, अब हम बढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात सिंपल
sentence. Structure, subject plus verb ki first form or verb ki first form plus s or es plus object plus other word. Other word ka matlab adverbs, kriya visheshan. Example, वह अक्सर स्कूल जाता है. ता है, ती है, ते है. पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सब्जेक्ट, वह, ही. वर्ब, जाना, गो. सिंगुलर कर्ता जब भी होगा वर्ब की बसों में लगेगा एस या ईएस. अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कर्ता सिंगुलर है तो एस या ईएस. ही गोज. अगर ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं लगता है तो हमें क्रिया से प्रश्न पूछना है, जाता है, कहां जाता है, नहीं, क्या जाता है. क्या जाता से क्या हमें उत्तर मिल रहा है, स्कूल, नहीं, तो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. इसी प्रकार यदि दूसरे क्वेश्चन पूछने जवाब मिलता है तो वो होती है एडवर्ब. कहां जाता है, स्कूल. ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब. He goes to school. साधारण वाक्य. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. तुम उसे हमेशा परेशान करते हो. ता है, ती है, ते है. पहचान, तुम, सब्जेक्ट, यू. वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परेशान करना, इरिटेट. यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ ऐसे यस नहीं लगता. यू इरिटेट. किसे परेशान करते हो, उसे, हिम या हर. यू इरिटेट हिम. हमेशा, ऑलवेज. यू इरिटेट हिम ऑलवेज. एडवर्ब एक ऐसी चीज है दोस्तों, एडवर्ब का कोई स्थान फिक्स नहीं है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आप ऑलवेज को यहां भी लगा सकते हैं. यू ऑलवेज इरिटेट हिम. आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस क्लियर. मूव ऑन करते हैं सेकेंड टाइप पे, जो कि है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, डू या डज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स. एग्जाम्पल, राजेश मुझे, राजेश मेरी मदद नहीं करता है. पहचान, ता है, ती है, ते है. नहीं, नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट, राजेश. डू या डज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर कर्ता के साथ. राजेश सिंगुलर है इसलिए डज. राजेश डज, और यहां पे आएगा हमारा नॉट. हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट. राजेश डज नॉट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मदद करना, हेल्प. राजेश डज नॉट हेल्प मेरी, मी. राजेश डज नॉट हेल्प मी. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. वे कभी कभार स्कूल नहीं जाते हैं. नहीं, नेगेटिव सेंटेंस. वे, दे प्लूरल है इसलिए डू. Not, verb की first form, जाना, go. They do not go, कहाँ, to school, कभी कभार. They do not go to school, seldom. अगर इसको आप यहां लगाएंगे बेटर रहेगा. They seldom do not go to school. Negative sentence आपका खत्म. Move on करते हैं interrogative sentence पे. देखिए फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं.
इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से दो टाइप है? इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से अर्थात सहायक क्रिया से, या स्टार्ट होगा वो डब्ल्यू एच वर्ड से। डब्ल्यू एच वर्ड की फैमिली आप जानते हैं, जैसे हुम, हूज, विच, हाउ, हाउ मेनी, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट एटसेट्रा। देखिए एक चीज जो नोट करने लायक है फ्रेंड्स, डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली का मतलब ये कदापि नहीं कि डब्ल्यू एच वर्ड से ही वो स्टार्ट हो। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब आप ऐसे समझे, ऐसे वर्ड जो क्रिया के हेल्पिंग वर्ब के अलावा, सहायक क्रिया के अलावा प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें डब्ल्यू एच वर्ड कहा जाता है। आप देख सकते हैं हु मतलब कौन, हूज मतलब किसे, विच मतलब किसका, हाउ मतलब विच मतलब कौन सा या कौन सी, हाउ कैसे, हाउ मेनी कितने, वेयर कहां, व्हेन कब, व्हाई क्यों, व्हाट क्या। तो यहां पे डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछने काम आता है, डब्ल्यू एच वर्ड है। हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डू या डस, फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, क्या राकेश मिठाई बेचता है, क्वेश्चन मार्क, ता है ती है ते हैं, क्या प्रश्न पूछ रहा है। क्या के लिए हम लगाएंगे डू या डस, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। राकेश एकवचन इसलिए हमने लगा दिया डस, सब्जेक्ट राकेश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेचना सेल, डज राकेश सेल, ऑब्जेक्ट क्या बेचता है मिठाई स्वीट्स, क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर आपको इन दोनों में अंतर करना है, देखिए हम पढ़ रहे हैं डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसी के दो टाइप है, माइनर सा अंतर है सिर्फ, इसी के आगे डब्ल्यू एच वर्ड लगा देना है। स्ट्रक्चर देखिए डब्ल्यू एच वर्ड, देखिए मैं यहीं से उतार रहा हूं, प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सेम। अब अंतर क्या है दोनों में देखिएगा, वह मुझे क्यों डांटता है, देखिए यहां भी प्रश्न पूछ रहा है क्यों डांटता है, लेकिन यहां बीच में प्रश्न पूछ रहा है तो वो डब्ल्यू एच वर्ड होता है और क्यों को बोलते हैं हम वाई। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड वाई, अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वह एक वचन वाई डस, सब्जेक्ट ही, वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांटना, वाई डज इज कॉल्ड, किसे डांटता है मुझे मी, तो why does he scold me, तो ये differences में इतना सा, तो interrogative sentence complete। बढ़ते हैं आगे, interrogative negative sentence अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये भी फ्रेंड्स दो टाइप के होते हैं, पहला जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और प्लस क्या आएगा इसमें नॉट, दूसरा ये हमारा स्टार्ट होगा डब्ल्यू एच वर्ड से और इसमें भी क्या आएगा नॉट। देखते हैं एग्जांपल, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए एग्जांपल लेते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ रहे हैं हम, स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए बने रही है, लिंक नहीं टूटना चाहिए, फुली कंसंट्रेट करना है मित्रों आपको मेरे साथ। देखिए डू डस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
यहाँ सब्जेक्ट के बाद आएगा फ्रेंड्स नॉट, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। एग्जाम्पल, क्या मुख्यमंत्री लोगों की मदद नहीं करता है। देखिए, क्या मुख्यमंत्री लोगों की मदद नहीं करता है, क्या से प्रश्न पूछ रहा है, और नहीं नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा, क्या के लिए बताया मैंने हेल्पिंग वर्ब, मुख्यमंत्री एक वचन है तो डज, मुख्यमंत्री के बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, डज द चीफ मिनिस्टर। फिर हमारा आने वाला है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, मदद करना, हेल्प। डज द चीफ मिनिस्टर नॉट हेल्प, ऑब्जेक्ट आएगा किसकी मदद, लोगों की, द पीपल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज द चीफ मिनिस्टर नॉट हेल्प द पीपल। चलिए बात करते हैं आगे। अब हम ले रहे हैं डब्ल्यू एच वर्ड, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था इंटेरोगेटिव में माइनर सा डिफरेंस है, यहां भी सिर्फ आगे क्या लगाना है, डब्ल्यू एच वर्ड। देखिएगा स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें अंतर ये का बस क्वेश्चन बीच में पूछेगा, जैसे वह तुम्हें कैसे बिस्किट नहीं देता है, क्वेश्चन मार्क। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कैसे, और नहीं भी आ रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड है कैसे, हम लगाएंगे हाउ। वह एक वचन है तो डज, अब सब्जेक्ट आएगा ही, हाउ डज ही, आप यहां देखते जाएं, हाउ डज ही, अब आएगा हमारे यहां पर नॉट, अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाउ डज ही नॉट, वर्ब क्या है, बिस्किट देना, देना क्या बोलेंगे, गिव। हाउ डज ही नॉट गिव, क्या नहीं देता है, बिस्किट। हाउ डज ही नॉट गिव बिस्किट्स, किसे, तुम्हें, टू यू। हाउ डज ही नॉट गिव बिस्किट्स टू यू, तो हमारा हो गया है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए ये तो हमारा बेसिक चीज है, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक। देखिए मैं लिंक में आपको दूंगा, कमेंट में दूंगा, पांच सेंटेंस हिंदी में, आपको उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, देखते हैं कौन बच्चे कितना सही कर पाते हैं, कितना सीखे। अब एडवांस की तरफ चलते हैं, कंपटीशन के हिसाब से देखिएगा, जरूरी कंपटीशन के हिसाब से सभी के काम आने वाला है। देखिएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल, जैसे वॉटर ब्लैंक बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए पानी और बॉइल उबलने से हमें पता लग रहा है, साइंटिफिक फैक्ट है, मैंने आपको बताया था। देखिए साइंटिफिक फैक्ट हो तब भी हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज होगा, वाटर सिंगुलर है तो हमें यहाँ पे लगा देना है बॉइल्स, पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या सेल्सियस जो भी है। दूसरा देखिएगा, द ट्रेन अराइव्स एट 10:30 डेली। देखिए मैंने यहां पे लगाया अराइव्स, ऐसे ही क्यों लगाया है, क्योंकि ये एक प्रोग्रामड एक्शन है, सारणीबद्ध कार्य, आपको पता है टाइम फिक्स होता है ट्रेन का, इतने बजे आती है इतने बजे, आप इसको ऐसे कंफ्यूज ना करें कि कभी लेट हो जाती है, इससे मतलब नहीं, उसका टाइम फिक्स है। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज होता है फिक्स जो टाइम होता है फ्यूचर का उसके लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी ऑलवेज गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। देखिए वो हमेशा जाती है मॉर्निंग वॉक के लिए, मैंने ऑलवेज आपको एडवर्ब बताई थी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की। चौथा फॉर एग्जाम्पल कमेंट्री के लिए, जैसे रोहित शर्मा
hits a six and adds six more runs in his account. तो देखिए सपोज कीजिए लाइव कमेंट्री हो, ये रोहित शर्मा हिट्स अ सिक्स, रोहित शर्मा ने एक सिक्स मार दिया, जबकि आप बोलेंगे कि मार चुका, पास्ट में लिखना चाहिए, लेकिन कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में की जाती है लाइवली बनाने के लिए. तो रोहित शर्मा हिट्स अ सिक्स, सिक्स मारता है, एड सिक्स मोर रन इन हिज अकाउंट, अपने खाते में छह रन और एड कर लेता है. या धोनी हिट्स अ सिक्स एंड बैग सिक्स रन्स इन हिज बैग. नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं, देखिएगा जैसे मैं लिखूं द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये एक जनरल नहीं यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको बिल्कुल भी झुटला नहीं सकते, पक्षी आकाश में ही उड़ते हैं. तो इसमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज होता है. देखिएगा ही गोज टू ऑफिस एट 10 AM डेली. देखिए परमानेंट एक्शन के लिए मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, वो हमेशा कहां जाता है ऑफिस, कितने बजे रोजाना 10 बजे. देखिए तीन चार एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, आप बार बार वीडियो देखें और इसको नोट डाउन कर लें. देखिए प्रोवर्ब और ईडियम के लिए भी होता है, जैसे मैंने लिखा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है. देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वर्ब की परसों में उसमें एस या ईएस, या फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, किस्मत साथ देती है बहादुरों का, देखो एस या ईएस. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, आपने देखा हमने जीरो लेवल से स्टार्ट किया और कंपटीशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं. जितना शेयर कर सकते इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक तो बनता है. तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार.